أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर छठी जमात का उर्दू क्लास लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल की क्लास में हमने प्यारे बच्चों एक नज़म जुगनू उनान के तहत पढ़ी है। आज हम इस नज़म में इस्तेमाल हुए अल्फाज पर नज़र डालेंगे और उसके साथ साथ जो सवालात इस सबक के आखिर में दिए गए हैं उनका ज़ुबानी जवाब भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले अल्फाज और उनके माना। नींद का उचट जाना, इसके माना है नींद का न आना। पानी बरस के खुल जाना, इसके माना है बारिश रुक जाने के बाद आसमान का साफ होना। गुलशन, गुलशन के माना है बाग या चमन। गुबार, गुबार से मुराद धूल या गर्द। चंबेली, सफ़ेद रंग का एक खुशबूदार फूल। जमाल, जमाल के माना खूबसूरती या हुस्न। तरावश, तरावश के माना है टपकना, छड़कना या जाहिर होना। गोया, गोया के माना है जैसे या शायद। पीपल, गर्म इलाकों में पाए जाने वाला सायादार पेड़, एक बहुत बड़ा पेड़, सायादार पेड़, उसे हम पीपल कहते हैं जो गर्म इलाकों में पाया जाता है। जुल्मत से मुराद अंधेरा, जुल्मत से मुराद अंधेरा। तो ये वो अल्फाज हैं जो इस सबक में इस्तेमाल हुए हैं और जिस कदर हम अपने जहन में इन अल्फाज को जहन नशीन कर लेंगे तो उतना ही हमें ज़बान सीखने में और बोलने में आसाइश पैदा हो जाती है। तो जो सवालात इस सबक के आखिर में दिए गए हैं, पहला सवाल है जुगनू किस मौसम में रात को उड़ते फिरते हैं? तो प्यारे बच्चों आप इसका जवाब लिखेंगे, जुगनू बरसात के मौसम में रात को उड़ते फिरते हैं। सवाल नंबर दो, शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है? इसका जवाब आप लिखेंगे, शायर ने जुगनू को हीरा इसलिए कहा है क्योंकि जुगनू रात को हीरों की तरह चमकते हैं, इसीलिए शायर ने जुगनों को हीरा कहा है। परियों की बारात जा रही थी, इस मिसरे में शायर ने किस चीज़ की तरफ इशारा किया है? तो इस मिसरे में शायर ने इशारा जुगनों की तरफ किया है। जुगनू जब मिलजुल के चले जा रहे थे तो उनकी रोशनियों से पूरी जुल्मत गायब हो गई, पूरा अंधेरा छट गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे परियों की बारात जा रही है। ये तीन सवालात उसके आखिर में दिए गए हैं और फिर खाली जगहें भी इसमें कुछ हैं। फूलों से लदी हुई चंबेली, किस्मत ही चमक उठी फिजा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की, होने लगी जगनों की बारिश, हीरों में पर लगे हुए थे, जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। तो प्यारे बच्चों ये हुए खाली जगहें। इस नज़म को एक बार फिर गौर से जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि पहले शेर में अंधेरी और मेरी अल्फाज आखिर में आए हैं, ऐसे हम वज़न और एक ही आवाज़ रखने वाले, एक जैसी आवाज़ रखने वाले अल्फाज को काफिया कहते हैं। दूसरे शेर में खुल और दुल काफ़ी हैं, जबकि गया था रदीफ़ है,
इस नज़म में कई शेरों में काफ़ी के बाद रदीफ इस्तेमाल हुए हैं। आप खुद किताब को सामने रखकर काफ़िये और रदीफ ढूंढ कर अपनी नोटबुक पे तहरीर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का ये क्लास भी मुकम्मल होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।